प्रमाण मान करके उन्हीं पर जोर दिया करते थे। गुरुस्वामी ग्रंथों पर, गुरुस्वामी उनके विचारों पर इतना कदर नहीं रहा, थोड़ा सा अनादर भाव रहने के बाद ऐसे भजन करते हुए चले। जब शरीर छोड़ने के पश्चात सभी लोग जानते हैं हमारे गुरु जी इतना भजन करने वाले निश्चित रूप में राधा जी की सेवा में तो पहुंच गए और उनके परिकरों में उनका प्रवेश हुआ है। ये सब की धारणा में एक भक्त गुरु जी के लिए बहुत रोया करते थे। एक दिन गुरुदेव उनके स्वप्न में आए, बोले भाई तुम मेरे लिए इतना क्यों रो रहे, क्यों इतना दुखी, क्यों इतना तड़पते। बोले कि गुरु जी आप तो राधा जी की सेवा में नित्य लीला में प्रवेश करते हो, हम तो कहां माया के रास्ते में अंधेरे में पड़े हो, इसलिए हमें दुख है। तब गुरु जी ने बताया, बोले देखो मैं राधा जी की कृपा से वंचित हो गया, दूर हट गया, उन्होंने मुझे अपनाया नहीं, अंगीकार नहीं। बोले क्यों? इसलिए कि मैंने प्रवचन में पुराणों को, उपनिषदों को, वेदांत की बातों को, इन सब को प्राधान्य दिया, गुरुस्वामियों के बातों में थोड़ा सा अनादर कर दिया। हमने सोचा ये सब साधारण ही दुर्बल ऐसे बोलते हैं साधु, साधु की बात और उपनिषद की बात दोनों ने हमने फर्क दे दिया, इनको प्राधान्य नहीं दिया, उनको दे दिया। तो इसकी गुरुस्वामियों पर, गुरु वर्ग पर हमारा अनादर हुआ। इस अनादर के कारण राधा जी ने हमें कृपा नहीं की, हम प्रवेश नहीं कर पाए, उन्होंने अपनाया नहीं, छोड़ दिया और मुझे जन्म लेना पड़ेगा। जन्म नीति अभी अब मुझे जन्म लेना पड़ेगा, लेकर के फिर से भजन करना पड़ेगा। तब कहीं राधा जी की कृपा मिली, छुबरा किया उन्होंने। तो ये क्या है, थोड़ी सी गलती के कारण राधा जी ने कृपा नहीं की, बोले जा गुरु जी। और एक कहानी सुनाते थे, और एक कहानी सुनाते थे गुरु जी। क्या कहानी? कामा में एक साधु का भंडारा हर साल होता है, अभी भी होता है, मुझे नाम दाम पता नहीं है ना। तो कामा में एक साधु जबकि देहांत तो हो गया तो उनका भंडारा हर साल चलता है, अभी भी होता है। तो गुरु जी बोले एक समय उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि कृष्ण के लीला भूमि द्वारका पड़े, मैं द्वारका में नहीं गया, एक बार द्वारका जाने से बड़ा अच्छा होता। तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई, इच्छा होने के साथ साथ थोड़ी देर में एक ब्रजवासी आ गए, बोले कि महाराज हम द्वारका जाना चाहते हैं, मुझे एक साथी चाहिए, कोई साधु कह रहे हैं उनके साथ चलो तो बड़ा अच्छा रहेगा, सत्संग भी मिलता रहेगा, भगवान की कथा प्रसंग में, नहीं तो हम तो कहीं इधर उधर भटक जाएंगे, तो आप चलिए ना, हम आपको आपके साथ चलेंगे, आप भी चलेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे, आप कोई चिंता नहीं। उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर पहले ही मेरे मन में ये विचार आया था द्वारका जाने का, तो चलो इनके साथ कुछ दिन द्वारका घूम करके हम। तो वो द्वारका में चले गए, वहां पर रहे कुछ दिन, 15-20 दिन महीना भर जैसे जैसे भी हो रहे, और घूम घाम करके सब दर्शन आदि करके आए। आने पर कुछ साधु अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन किया करते थे, राधा जी का खूब स्मरण करते थे, खूब प्रार्थना करते थे। अब उनका मन नहीं लग रहा,
न लीला चिंतन होता है, न भजन होता है, न कुछ, और ये नहीं लगता है। फिर एक दिन वो गुरु जी के पास आए, गुरु जी भी मुंह पैर करके बैठे रहे, उनसे बात ही नहीं की, कोई कारण से बात भी नहीं हो पाई। उनका भी मन थोड़ा खराब हो गया, गुरु जी से मिल नहीं पाया, गुरु जी से भेंट भी नहीं हो पाई, बातें भी नहीं हो पाई। ये स्थिति, इससे आगे फिर क्या हुआ? ऐसी करते हुए चले आए, भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं बैठ रहा है, तेरा गड़बड़ हो गया। अंत में भी बेचारे दुखी हो गए, खा पीना छोड़ दिया। ऐसे करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। इसलिए सब जो भजन करने वाले बाबा हैं, राधा जी के प्रति निष्ठा रखने वाले, बाबा के साधु उसके लिए भंडारा होता रहता है। तथा गुरुदेव की कथा सुनाया करते थे अक्सर, कैसे सुनाया करते थे, जब वो द्वारका से वापस आए, आकर के पहले जब भजन करने चाहते थे, राधा रानी का अनुभूति हुआ करता था, राधा रानी की कृपा बरसती थी, बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन जब भजन करने के लिए गए, अभी राधा रानी की जो कृपा की जो स्फूर्ति होती थी, और राधा रानी का कृपा स्फूर्ति नहीं हो रही थी, मन उचाट सा हो रहे हैं, मन लगी नहीं रहा है। जब उसने छटपट छटपट करने लगा, क्यों ऐसे हो गया, इतने में आकाशवाणी हुई, इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक में तो तुमने यहाँ छोड़ कर गए, राधा रानी को भजन करता था ब्रज में, और मेरे चरण में रहकर भजन करता था, क्या मेरे चरण में कोई चीज कमी थी? तुमने मेरे चरण को छोड़कर कहाँ गया? फिर तुमने द्वारका तुमने गया, फिर गया तो गया, ठीक है, दर्शन करके आना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, फिर वहां जाकर छाप लगवा दिया, वहां पर शंकर चक्र गदा पद्म का छाप। ये शंकर चक्र गदा पद्म का चिन्ह क्या होता है, और ये वैकुंठ होता है, ये वैकुंठ का जो भक्त लोग ये शंकर चक्र गदा पद्म उसको लगाते हैं, इसलिए फिर उन्होंने तुमने छाप लगा करके आ गया, इसलिए और मेरी कृपा नहीं होने वाली। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्हें कल बोल रहे थे ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, हमारे रूपानुभव में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मन से क्या कहते हैं, आपकी तत्वा लक्ष्मीपति रश्मि का व्यम नहीं। अगर तुम ब्रज भक्ति पाना चाहते हो, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति जो नारायण है, कुलता प्रति में आसक्त तुमको छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति दात का कील सर बात की दी, इसलिए मुक्ति की इच्छा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके तुम्हें ब्रज भक्ति मिलेगा। इसलिए हमारे तीर्थ महाराज एक अच्छी बात बता रहे थे, हमारे जो गुरुदेव है ना, हमारे जो महाराज जी श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, इनके तो बहुत बड़ी हृदय है, ये चीज जो महाराज सावधान कर रहे थे। कभी कभी गुरुदेव चलने के बाद हम इधर उधर भटक रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर उधर हम भटक रहे हैं, महाराज जी यही बात कह रहे थे, हमें इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, गुरुदेव नित्य है, वो कहीं नहीं गए। आप हृदय से गुरुदेव को पुकारो, गुरुदेव आपको उधर में कृपा करेंगे, हमें इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं, यहाँ से छोड़ गए, वहाँ वहाँ से वहाँ, यही बात महाराज यही बात बताना चाह रहे थे, हमें कहीं जाने की जरूरत है नहीं। गुरुदेव ने हमें जो चीज देकर गए, आप सोच भी नहीं सकते, एक बहुत बड़ी चीज गुरुदेव हमें देकर गए, जो ब्रज भक्ति महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के यही ब्रज भक्ति प्रदान करते हैं, जिस प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदि भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु महाप्रभु को दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए। और हमारे जी महाराज ही कोई कोई व्यक्ति कभी कटाक्ष कर देते हैं, हरे नारायण महाराज सहजिया ब्रज की भक्ति राधा कृष्ण के नाम पर महाप्रभु आए, इसलिए महाप्रभु क्यों इस महाप्रभु को रूप गोस्वामी कहते हैं,
नमः महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरव दूसरे नाम। इसलिए महाप्रभु बताया वो केवल बदान्य नहीं है, दूसरे दूसरे आचार्य लोग आए नहीं, कौन सा प्रेम देख रहे थे वो सब वैकुंठ प्रेम देख रहे, अयोध्या आगरा कहीं दिया तो ब्रज का और द्वारका का कहीं प्रेम देख रहे गए नहीं, लेकिन महाप्रभु आकर गए एक विशेष चीज लेकर गए। इसे महाप्रभु को महाबलाय बोलने को बताया गया, केवल बदान्य नहीं सबसे बड़े बदान्य महाप्रभु। क्यों? उन्होंने जो राधा रानी की जो निकुंज के पुत्र सेवा है ये चीज हमने किया। इसलिए हम रोज भजन गाते हैं ना, निकुंज जो नारति के सिखई जाजाले भीज मेरा पैसनिया तत्रा विलास्या रति वल्लभस्य वंदे गुरुसी चरणानि। क्या गाते हैं गुरुदेव के लिए? निकुंज जो नारति के सिखई, अभी गुरुदेव कौन है? राधा रानी की जो निकुंज सेवा में जो अत्यंत अत्यंत जो निपुण है उस सेवा में जो एकदम एक्सपर्ट है, ऐसे जो गुरुदेव है जब हम उसको रोज रोज लाते हैं तो गुरुदेव तो वही चीज देने के लिए आए ना, महाप्रभु तो वही चीज देने के लिए आए। इसलिए हमारे महाराज जी का अर्जन में जो ब्रज भक्ति की जो भावना है ना ये बहुत बड़ी चीज है। श्री श्री प्रभु गोस्वामी कहते हैं कैसे भक्तों का सब करनी चाहिए, प्रतिकूल है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हमें कैसे कैसे भक्तों का भाव विरुद्ध भाव अविरुद्ध भाव साबल्य मतलब कैसे भक्तों का संग्रह करनी चाहिए वहां पर उदर्भ में अच्छी बात बताई। पर सो जातीय संगो होनी चाहिए, हम चाह रहे हैं ब्रज प्रेम को राधा रानी की निकुंज सेवा को, अगर हमने ऐसे भक्तों को संग में जाकर बैठे अरे ये सब दुर्लभ वस्तु। गुरुदेव एक बहुत बात करते थे, देखो जैसे हम पीएचडी करते हैं कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है 10 साल पहले उसको लक्ष्य स्थिर होता है, 10 साल के बाद में हमें इंजीनियर करना है इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है 10 साल बाद में भले ही बनेगा लेकिन पहले से क्या करते हैं वो लक्ष्य को ठीक रखता है। हमें और कोई चीज हमें लेना ही नहीं, हमें और कोई चीज हमें लेना ही नहीं, लेने का मतलब एक ही चीज लेंगे, हाँ केवल एक चीज लेना है। क्या है? हमें केवल ब्रज भक्ति चाहिए और राधा जी के आनंद करते हैं ये भक्ति चाहिए और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। गुरुदेव की बात को ना बारम्बार गुरुदेव फोर्स करने चाहते थे, इसलिए हमें ऐसे संग करनी चाहिए जिस संग से हमें वो भावना पड़े, ऐसे संग में करती है जो कि हाँ जो कि वो चीज से अलग वो चीज को पूरा डिग्रेड करते हैं। हमें ऐसे संग नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारे बढ़ते उसको क्या होगा अनादर वो चीज में होगा, ब्रज भक्ति का पर तुम्हारी अनादर हो जाएगी। अगर लक्ष्य भ्रष्ट हो गया तो तुम्हारे सब कुछ भ्रष्ट है। देखो महाप्रभु वही चीज देने के लिए प्रभु गोस्वामी क्या थे वही चीज दिया, प्रभु गोस्वामी जी गोस्वामी क्या थे वही चीज दिया, नर्तन श्यामानंद उन्होंने यही चीज दिया, विश्वनाथ उन्होंने यही चीज दिया, भक्तिवन ठाकुर यही चीज दिया, प्रभुपाद यही चीज दिया। प्रभुपाद का ऐसा 8 उपदेश में पढ़ो उसमें 3 बार उठा ऐसा 8 उपदेश, एक रूप गोस्वामी की चरण की धूल बनना ही हमारी जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और हमारी कोई लक्ष्य है ही नहीं, हमारी कोई भी लक्ष्य, इसलिए हमारी लक्ष्य हमें पता होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी जो कथा सुना रहे थे वो साधु जब वापस आया जब भजन करके बैठे तो मन नहीं लग रहा है, वो उनको मन ही नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आकाशवाणी हुई राधा रानी बोली मतलब किसी के बारे में और मेरी कृपा तुम्हारे घर होने वाले नहीं, क्योंकि तुमने द्वार गांव में जा करके ये सब छाप लगा करके आ गया, ये सब वैकुंठ परिकरों का सब छाप है, ये ब्रज का छाप नहीं। यहाँ तक भी हमें जो कृष्ण चाहिए रूप गोस्वामी ललिता माधव, हमें कौन सा कृष्ण चाहिए? कृष्ण भी मिले हमें हर कृष्ण नहीं चाहिए। गुरुदेव के बात हो करते थे अगर राधा रानी बोले तो सख्य रस ले लो बोले नहीं, बोले बात्सल रस ले लो बोले नहीं, बोले श्रृंगार रस ले लो बोले उसमें भी सखिया और उसमें परिज्ञा है और परिज्ञा में भी हमें राधा जी की अनुगत करने में सेवा चाहिए। राधा रानी बोले
इसी जीवन में मेरी कृपा तुम्हारे पर रहने वाली है। जब देखा राधा की कृपा नहीं होगी तब इस शरीर में रह करके क्या लाभ है। उन्होंने गए और जाकर उन्होंने अपना विरह से राधा की विरह से उन्होंने अपना शरीर से विरहाग्नि को प्रकट करके उसमें अपना शरीर को प्राप्त किया। विजय महाराज बता रहे थे ना वहां पर अभी भी हर साल वहां पर बड़ा उत्सव होता है सब ना रणबाड़ी स्थान का नाम है रणबाड़ी का हाँ रणबाड़ी है। इसलिए अभी हर साल वहां पर उत्सव होता है और बहुत सारे भक्त लोग वहां पर हर साल बहुत सारे भक्त लोग आते हैं। इसलिए हमें ऐसे संगठन में चाहिए जिसको द्वारा गुरुदेव ने हमें जो चीज गुरुदेव हमें देना चाहते थे हमें ऐसे संगठन में चाहिए। गुरुदेव नित्य है गुरुदेव कहीं गए नहीं। ऐसे समय से बाबू गोस्वामी महाराज ऐसे समय बाबू गोस्वामी महाराज क्या हुआ एक दिन उनको गुरुदेव का जीवन लिख रहे भक्ति प्रज्ञा जीवन लिख रहे लिखते लिखते अभी जो प्रस्तावना होता है इंट्रोडक्शन होता है अभी उसमें क्या लिखेंगे। अभी उन्होंने बहुत गुरुदेव को स्मरण करते करते उन्होंने गुरुदेव को उन्होंने विश्राम सो गए। उस समय अभी जो हमारे जनार्दन महाराज उनका सेवक थे एक दिन रात में उन्होंने स्वप्न देखा गुरु जी आए। गुरु जी आए तो गुरु जी को साथ में वो डिस्कशन कर रहे थे गुरु जी को साथ में गुरुदेव अपनी ग्रंथ अपना जीवन लिख रहे थे हम कैसे लिखे उसमें इंट्रोडक्शन में क्या दिए उनको साथ में रात भर बात की। और हमारे जनार्दन महाराज के पास में सो रहे थे उन्होंने देखा गुरुदेव रात भर किसके साथ में बात कर रहे थे। जब सवेर हो गया तब भक्ति के डॉक्टर बाबू गोसाई महाराज बोले गोटी डॉक्टर बोलो उनका नाम था गोटी डॉक्टर बोलो बोले रात भर हम सो नहीं पाए रात भर हम सो नहीं पाए नींद नहीं आई अभी नींद नहीं आ गई। तब गोटी डॉक्टर ब्रह्म ने बोला नींद कैसे आएगा हमने देखा रात भर आप बड़बड़ा रहे थे रात भर आप बड़बड़ा रहे थे रात भर आप बात कर रहे थे तो अभी नींद कैसे आएगा। अरे गुरुदेव क्या बात करते रात भर हमने सुना फिर रात भर गुरु जी के साथ में बात कर रहे थे ना भले मैंने सोते समय गुरु जी को स्मरण करते करते सोया अभी उनकी जीवन चरित्र को हम प्रकाश करने वाले हम क्या रखेंगे नहीं रखेंगे प्रस्ताव बनाने इसलिए हमने गुरुदेव को पूछना चाह रहा था। गुरुदेव आए थे इसलिए रात भर गुरु जी के साथ में गुरुदेव के साथ में बात किया है। हाँ देखो इसलिए जब आप स्वयं देखे ना अब गुरु जी के अगर स्मरण करते 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 सो कोई भी विपद जीवन में आए कोई भी समस्या आए अगर सच दिल से गुरु जी का स्मरण करते करते अगर आप करो जरूर अपने हृदय में फूर्ति प्राप्त होता है। गुरु जी कुछ ना कुछ आप तो समझने निकालते हैं इसलिए गुरुदेव लिखते हैं हमें कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं। गुरुदेव खुद बोल करके हमने ग्रंथ रूप में हमने सब कुछ तुम लोगों को दे कर दिया कि ग्रंथ ही मेरा अपना स्वरूप ये ग्रंथ है ना इसलिए गुरुदेव का ग्रंथ उपदेश सब चीज को और गुरुदेव को नित्य मान करके हाँ गुरु जी की शरण में हमें रहनी चाहिए। इसलिए महाराज यही बात बता रहे थे सौजाग्य आश्रय से अपना सौजाग्य भक्त का हमें सही रखनी चाहिए जिससे हमें उपज भक्ति की जो अंकुर है ब्रज भक्ति की जो लालसा है जो लालसा हमारे हृदय में जगे चाहिए पहले एक ही चीज चाहिए हमें फिर दूसरे चीज कैवल्य का अटक प्रयोजन विश्वनाथ ठाकुर कहते उस श्लोक में कहते कैवल्य अटम प्रयोजन कैवल्य अटम प्रयोजन मतलब क्या केवल एक ही हमारे प्रयोजन है मतलब केवल एक ही क्या चीज है मतलब हमें ब्रज भक्ति चाहिए हैं ब्रज भक्ति में भी हम लोग बड़े सौभाग्य बात जो गुरु जी के श्री चरण में हम लोग आए हैं और हम लोग उनकी अनुगत्य में हम सब कैसे प्रसन्न किया प्रसंग लाया था हमने रथ यात्रा में जो की महाप्रभु जी ने ब्रज भाव को प्रकट किया कुरुक्षेत्र में यहाँ ब्रज गोपियां कृष्ण से मिलने गए कृष्ण से गोपियों का मिलन हुआ ब्रजवासियों का मिलन और गोपियां मन रूपी रथ में कृष्ण को बैठा कर उन्हें ब्रज में लिया। कैसे ब्रज में लिया
तो इस रथ यात्रा प्रसंग में वहां प्रभु जी ने विरह विप्रलम्ब भाव को प्रकाश किया। हम लोग जो है विप्रलम्ब रस के साधक हैं, संबोध रस के नहीं, विप्रलम्ब रस के विरह के द्वारा हमारे अंदर जो कि कृष्ण प्राप्ति की तीव्र लालसा बनी जाएगी और उसी उत्कंठा में इसी लालसा में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा भजन सही होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विरह विप्रलम्ब भाव को उद्घाटन किया। रथ यात्रा का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही अनुभव योग्य है जो हमारे लिए विशेष उपाधि है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में इसको एक महत्वपूर्ण प्रसंग दिखाया गया रथ यात्रा प्रसंग। तो इसी रथ यात्रा प्रसंग में जो विरह विप्रलम्ब भाव है उसको प्रकाश कर रहे हैं कि विरह के द्वारा हमारे अंदर आरती उत्कंठा भजन की लालसा बढ़े और इसी लाइन में बने हैं जो भारतीय अभिवाद। हरे कृष्ण। ये रथ यात्रा आप लोगों ने हम सबके समय रथ यात्रा बनाए यदि ये रथ यात्रा क्या है इसके देखो हमारे जो महाराज जी भद्रदास नारायण गोस्वामी महाराज उनके एक ग्रंथ निकाले जिसका नाम है रथ यात्रा के रहस्य है। इसलिए मैं पुरी में पहले मैं हमारे गुरु जी के मठ में रहता था, पुरी में रहता था। यहाँ पर मैंने 6 साल रहा और रथ को भी हम चेस्कर ले जाते थे, रथ यात्रा में कीर्तन करते थे इनको। लेकिन जब मैं मथुरा आया, पहला साल जब मैं मथुरा आया और महाराज जी रथ यात्रा प्रसंग को महाराज ने पाठ किया कम से कम 10-12 दिन तक गुरुदेव ने कथा की। मैं पहला बार जब गुरु जी से कथा मैंने सुनी, मैं स्वयं रथ यात्रा में रहता था, रथ खींचता था, कीर्तन करता था, लेकिन जब गुरुदेव मुंह से हम जब कथा सुने रथ यात्रा है क्या जी, ये रथ क्या है, कौन ये रथ को खींच कर ले जा रहे हैं, जब मैंने गुरु जी को पास ही सब कथा सुनाना ये मेरी अनुभूति है। साक्षात ये रथ में मैं रहता था, रथ खींचता था, जो मुझे अनुभूति होती थी उससे हजार गुण मुझे अनुभूति हुई जब गुरु जी से हमने कथा सुनी। इसलिए मतलब धाम को आंखों से नहीं दर्शन करनी चाहिए, धाम को कानों से दर्शन करनी चाहिए। इसलिए बोले गौरव कामार जैसव स्थान करल भ्रमण रंगे जैसव स्थान हेलवामी प्रणाई भगत सभी। इसलिए जहाँ यहाँ पर महाप्रभु ने कृष्ण लीला की अकेले नहीं, अकेले जाकर घूमना करके आ गए नहीं, अकेले नहीं, अकेले जाएंगे तो क्या पेड़ पौधा और लता पता यही देख करके आएंगे, लेकिन जब वैष्णव आनुगत्य में जाएंगे जब वहां की कथा को सुनेंगे फिर तो वो स्थान की महिमा में फिर पता चलता है। इसलिए नियम है वैष्णव के आनुगत में सब कुछ दर्शन करनी चाहिए, आनुगत बगैर सब जीरो हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ग्रंथ के लिए ग्रंथ यात्रा लिखा। आप लोग भी बहुत बहुत कथा सुनी, मैं एक कथा सुनाता हूँ। हमारे विष्णुदेव महाराज जी कृपा करके आए हैं, महाराज बड़े विद्वान है, संस्कृत के विद्वान है और हिंदी के भी, और महाराज जी बहुत निकले और महाराज जी कंप्यूटर है महाराज बड़े स्मृति से रथ यात्रा के एक कथा में सुना देता हूँ, महाराज जी आपको सुनाएंगे। कहती है रथ यात्रा है क्या चीज और जगन्नाथ जी की जो रूप जो धारण किया है ये रूप है क्या चीज, ऐसे उन्होंने क्यों ये रूप को धारण किया, इसकी रहस्य बताए। एक दिन कृष्णा जब वो द्वारका में रहते थे मैं द्वारका में और सुनते थे कहाँ पर रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी इनको पास में सोते थे, लेकिन ये रोते थे कहाँ के लिए, वो रोते थे ब्रजवासियों के लिए रोते थे, कभी कभी इतने रोला करते थे, रो रो करके अपना तकिया भी गीला कर देते थे, बोलते थे हे ललिते हे विशाखे हे श्रीमती राधा रानी नंदा जस नाम बोले बोले रोया करते थे। इसलिए कभी कभी महिषियां भी आश्चर्य होती थी, बोलते हम एक से एक हैं, राजघराने के हम लड़की हैं और सारे विद्या में हम निपुण हैं,
सारे तालाब में हम निपुण हैं, लेकिन पता नहीं ये कुमार मिया क्या जादू बना कर दिया कृष्ण को, ये इनको भूल नहीं पाते हैं। पता नहीं इन लोगों ने कंडा पीड़ने वाले और गद्दी करने वाले क्या जादू टोना इनके ऊपर चलाया, दिन रात इनके लिए रोया करते हैं। अब एक दिन ब्रज की चिंता में इतने व्याकुल कृष्ण हो गए, इतने ब्रज की चिंता में व्याकुल हो गए, राधा रानी के नाम को ले लेकर के कृष्ण बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए अभी सारे द्वारका वासी बड़े चिंता में पड़ गए, कृष्ण भी बेहोश हो गए। इतने में श्री नारद जी भी आ गए, इतने में नारद जी को बोले आप एक काम करो, आप अपना ब्रज का कीर्तन अगर हो सकता है, ब्रज का कीर्तन सुनते सुनते कृष्ण का होश आ जाएगा। नारद जी ने कहा देखो एक इसमें समस्या, बोले क्या समस्या, तो जब ये ब्रज का कीर्तन सुनते सुनते होश आएगा ना, क्योंकि ब्रज चिंतन करते करते ही वो बेहोश हो गए, घर पे क्या रहने वाले नहीं, घर पे ये द्वारा छोड़ करके ब्रज चले जाएंगे, घर तुम्हारी कृष्ण यहाँ रहेंगे नहीं, ये ब्रज मुसीबत आ जाएगी। बोले एक काम करो, बोले क्या करो, बोले किसी एक विशेष व्यक्ति को ब्रज में भेजो और उनको जाकर के खबर दे कृष्ण जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और हम कृष्ण को ना ले करके वहां पर एक दो दिन घुमा फिरा करके भाई कृष्ण को हम वापस आएंगे द्वारका में। बोले हम किसको भेजेंगे, बोले कोई बढ़िया व्यक्ति को भेजो, इसकी बात को ये विश्वास करेंगे। बोले बुधा जैसे व्यक्ति बोली गई, क्योंकि ये कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा और शिष्य बृहस्पति साख्या उद्धव और बुद्धि सत्तम, ये बुद्धि में बड़े उत्तम है और इतने इंटेलिजेंट है, इनका टीचर या तो टीचर नहीं मिले उनको लिखा पढ़ा सिखाने के लिए, उनको कहाँ भेजना पड़ा, स्वर्ग में बृहस्पति को पास में भेजना पड़ा। अब कृष्ण का मंत्री भी है, परामर्शदाता भी यही कृष्ण का, इसलिए उद्धव जी को कृष्ण को उद्धव जी को भेजो, उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, बोले मैंने गया था ब्रज में, पहले तो जाना ही नहीं जा रहा था, बोले कृष्ण करीबन छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए तेरे दिलों का सहन नहीं हुआ कर पाऊंगा। लेकिन कृष्ण ने कहा उद्धव मेरे को जो यहाँ देख रहे ना, मैं एक आना में वहाँ यहीं पर हूँ, अगर 90% में ब्रज में जब वहाँ जाओगे ना फिर देखोगे, फिर मेरे को तो भूल जाओगे। क्यों, जहाँ पर कृष्ण कथा है, जहाँ पर कृष्ण भक्तों का संग है ना, भगवान यहाँ पर है, भगवान वहीं पर है। सचमुच से उद्धव तक गया और ब्रजवासियों को प्रेम को देख करके और उनकी लीला स्थलियों को देख करके उद्धव जी पूरा छह महीना का भूल गए पूरा ब्रज में, और वहां से वापस आए तो 6 महीना बाद में आए हैं। इसलिए उद्धव जी ने कहा भैया मैंने देखा ब्रजवासियों का प्रेम को, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ गए तब से कोई घूमती नहीं, मयूर केदा नहीं करते, गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, वहां के गोपियां तो जाके कहा वहीं पर कृष्ण जब आए वहीं पर बहस होकर पड़ी हुई है। हमने नंद बाबा को देखा तो इतने दुखी मैया जसोदा तो बेहोश होकर के पड़ी हुई थी, आंखों का आंसुओं की झरी बह रही थी। मैंने ब्रजवासियों को देखा और राधा रानी को जब मैंने स्थिति देखा, कैसे कमल पुष्पों के ऊपर में कैसे लेट हुए, अगुर चंदन कर्पूर से लेप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विराग नहीं, उससे चुर चुर हो जाता है कमल का पकुड़िया और सारे अगुर चंदन कर्पूर सबके सब चुर चुर हो रहा था। अब देखा कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके आए और राधा रानी कैसे टेढ़ी मेढ़ी कैसे वचन बोल रही थी। मैंने सारे चीज को हमने वहां पर देख करके आया और मैंने प्रतिज्ञा करके आया, मैं जल्दी से जल्दी कृष्ण को मैं जरूर जरूर भेजूंगा। लेकिन कृष्ण को आकर के सारी बात बताया, कृष्ण भी सुन करके थोड़ी सी रोए, लेकिन थोड़ी बड़ी बात नहीं पता नहीं बहाना बना देते हैं, तो जापा जापा बोल कर ना अभी तक गई नहीं, अगर फिर मैं दो बार जाऊं बोलो कृष्ण दो बार आएंगे, बल्कि वही झूठा दे रहा गया। पहले तो बोल कर गया था कृष्ण को भेजूंगा, लेकिन कृष्ण ने तो भेजा नहीं, फिर दोबारा आकर के कृष्ण आएंगे, ये बड़े झूठे आदमी है। इसलिए मेरे ऊपर में ब्रजवासी एकदम विश्वास करने वाले नहीं, पर किसको भेजे, बोले साहब भैया तुम्हें बढ़ते प्रभु को बोले आप भी जाकर के
जाकर के बोलो, बोले भैया मेरा भी वही स्थिति, मैं भी गया जाकर के नंदरवार की गोद में बैठी गया और मेरे गोपियों को सखा के साथ में खेले कूदे और मेरे अपना गोपियों के साथ हमने लाश भी रचाई, लेकिन कृष्ण का जो गोपियां हैं उनकी पत्थर उनको हमने किसी तरह से सांत्वना नहीं देखा है। इसलिए मैं भी ब्रजवासियों का स्थितियों को देख करके मैं भी प्रतिज्ञा करके आया था कृष्ण को जल्द से जल्द में भेजने वाला हूँ, लेकिन आकर के जब बोला कृष्ण भी थोड़े रोए हैं, लेकिन ऊपर से थोड़े रोए लेकिन चुप हो गया। वे बोलता है चलो ना तेरे ब्रजवासी तेरे गिरह में इतने दुखी इतने दुखी पर चलो ना, लेकिन बहाना बना कर चलूंगा चलूंगा, लेकिन अभी तक भी उसको मैंने ब्रज में ले नहीं पाया। अगर मैं दोबारा जाता हूँ बोलता हूँ वही झूठा फैला लिया, पहले बोल कर गया था कृष्ण को भेजेगा, भेजा तो है ही नहीं, अब फिर अकेले आ गया। इसलिए भैया मैं नहीं जा सकता, बोले फिर जाएगा तो ले काम करो, इतने में सुभद्रा देवी तैयारी फिर मैं चलूंगा, क्योंकि गोपिया भी स्त्री मैं भी स्त्री हूँ, स्त्री स्त्रियों का अंतर है अपने आप उनका हिल मिल जाती है। इसलिए मैं जाऊंगी सबको गोद में बैठी करके जसोदा नंद सबको मैं समझाऊंगी कृष्ण जल्दी जल्दी आने वाले हैं, मैं चलूंगी। आपको पता होगा हमारे भारत का जो संस्कृति है कभी भी किसी स्त्रियों को अकेले कभी नहीं जाने दो, पहले तो माताएं घर से बाहर ही नहीं निकला करती थी, अपना घूंघट लगा करके घर पे आ करती थी, ऐसे चंद्र सूर्य भी उनका मुंह नहीं देख पाती थी, और बहनी को तो कभी अकेले कभी भी उनको कोई नहीं छोड़ते थे। जब सुभद्रा तैयारी हुई इतने में बलदेव प्रभु ने देखा ये बहनी है, बहनी को हम अकेले कैसे छोड़, इसलिए मैंने देखो ठीक है मैं घर में चलूंगा बहनी को साथ में, एक काम करो तीन रथ बना, सबसे पहले मैं चलूंगा बड़े भाई है ना और गुरु तत्व है ये गुरु जी है, इसलिए पहले मैं चलूंगा और बीच में बहनी है, बहनी को कभी हम हाँ माताएं ना कभी उनको अलग उनको बीच में रखेंगे, फिर कृष्ण जब जगेंगे फिर कृष्ण भी चलेगा, इसलिए तीन रथ बनाओ। इसलिए उन्होंने तीन रथ बनाए गया, बना करके इतने में श्री नारद जी ब्रज की बड़े सुंदर उन्होंने ब्रज की कीर्तन किया है, बोले नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण राधिका रमण हरि नाम भक्त की संसादि हरि धारा भरी से आया श्रवण जुगिया भरी से श्रवण जुगिया सगने नाचे भरिया अपना हीरा होश आया, जब उनको होश आया इतने में
कभी कभी ये रुक्मणी सत्यभामा सोचा करती थी ये ब्रजवासियों ने क्या कर लिया तो करे जादू सुना डाले क्या हम लोग नजर जादू सुना किए ये दिन भर ब्रज का चिंता में दिन भर उनके लिए रोता है। कभी कभी ये सोचा करती थी हाँ कभी कभी सोचा करती थी जिसको श्री सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में भी वो वर्णना करते हैं जिस समय कृष्ण कभी ब्रज की चिंता में बेहोश हो गए और उनको नव वृंदावन में ले गए और वहां पर ब्रह्मा जी नव वृंदावन बनाए एकदम जैसे ब्रज जैसे उन्होंने बना दिया है एकदम कृष्ण जैसे सवरे सवरे गैया चराने के लिए कैसे जाते हैं ब्रज की गोपियां कैसे सुंदर कुंज की आड़ से उनको दर्शन करते हैं मैया जसोदा कैसे उनको मक्खन देती है पूरा उन्होंने मूर्ति स्टैचू उन्होंने बनाए नंदी महाराज की महाराज क्या मिले इसलिए उन्होंने पूरा उन्होंने अपने स्टैचू बनाए और जितने महिषियां थी ना वो सारे महिषियों को उन्होंने दूर से खड़े कर दिए और जो पद्मा थी पद्मा कौन है कंस की मैया है माँ है जो दुबई इसलिए उनको भी दूर खड़े कर दिए और जिस समय नारद जी कीर्तन करने पर जिस समय कभी कभी महिषियां सोचती थी लेकिन कृष्ण जब कीर्तन किया जब कृष्ण धीरे 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 कृष्ण जब जगे कृष्ण ब्रज में रहते समय उनकी जो हाव भाव उनकी जो कटाक्ष उनकी जो चलना उनकी जो देखना उनकी जो बोली क्या अद्भुत था। जिस समय कृष्ण रूप को देखा रुक्मिणी सत्यभामा तो पागल भी हो गई देखकर के कृष्ण रूप को ब्रज में रहते समय और पद्मा की 100 साल की बकरी एकदम बुरी हो गई थी लेकिन उसको कृष्ण रूप देखकर उसको ऐसे लगा जैसे मैं डोबर के आम में छुगर बन गई 14-15 साल की मैंने छुगर बन गई और जो पद्मा है ना वो भूल गई मैं डोबरी बुरी भूल करके अभी वो सोचे मैं छुरी हो गई और कृष्ण को पकड़ने के लिए उसने वहां से दौड़ी कृष्ण को पकड़ने के लिए और उसको किसी तरह से पकड़ करके दूसरे ने उसको वहां पर उनको संभाले। उसके बाद में जो महिषियां तो कृष्ण के रूप देख करके कृष्ण को वो भी पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे उनको किसी तरह से उन लोगों ने उनको बचाया है। महिषियों ने देखा कृष्ण जी जो ब्रज का जो रूप है इतने सुंदर ब्रज का उनकी रूप है कृष्ण सोचे कृष्ण सचमुच से जो कृष्ण रोते हैं ब्रजवासी के लिए कृष्ण यद्यपि हमको प्रेम करते हैं लेकिन ब्रज का जो कृष्ण के जो नौकरानी है ना नौकरानी 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 के जो नौकरानी के प्रति कृष्ण की जितना प्यार है उतना प्यार हमारे प्रति है मतलब कृष्ण ब्रजवासियों को जितने कृष्ण प्रेम करते हैं इतने कृष्ण प्रेम करते हैं और ब्रज का उनका जो रूप है वो अद्भुत उनका ब्रज का रूप है इसलिए कृष्ण भी स्वयं अपना परिचय को देख करके कृष्ण कहते हैं अपर दलित पूर्वम कश्च मत कारकारी कहते भैया ये कौन है इतने सुंदर ये है कौन। इसलिए कृष्ण स्वयं कामय राधि के जैसे राधा रानी कृष्ण का आलिंगन करती है तो मन इच्छा होता है मैं कब राधा बन करके ये रूप में कब मैं आलिंगन करूं कृष्ण तभी तो कलयुग में सचिन नंदन गौरव हरिनंदन क्यों आए जगत में केवल यही कारण से राधा रानी में क्या माधुर्य राधा जी के प्रेम में क्या चमत्कारिता है जो मुझे आनंद मिलता है इससे करोड़ गुण से राधा रानी को आनंद मिलता है मेरे ब्रज का रूप में क्या माधुर्य है। इसलिए कलयुग में सचिनंदन गौर हरि बन करके स्वयं कृष्ण जगत में आते हैं श्री सचिनंदन गौर हरि की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए श्री नारद जी जब उन्होंने भजन गाए इतने में कृष्ण धीरे 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 कृष्ण का होश आया और ऐसे त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर जैसे ब्रज में बंसरी बजाया करते थे
कृष्ण जब बंसुरी बजाने की हाँ जैसे मैंने अपना शरीर को किया ना, फिर महिषी हमको बता दिला सतगुरु से ये रूप का हम कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं। इसलिए अभी कृष्णा ब्रज की चिंता में पड़े हुए थे, सोए हुए थे, जब जगे इतने में कृष्ण दौड़े, हाँ वृंदावन के लिए दौड़े, जब दौड़े इतने में दाव भैया आ रहे सबके सब बोले कन्हैया हमें ये पता था तो ब्रज के लिए जाने के लिए तरस हो, इसलिए हमने पहले से ही तुम्हारे लिए रथ बनाए, तुम नहीं पहले सुभद्रा और बलदेव हम सबके समझाएंगे। आप लोग देखना थोड़ी देरी बाद में जगन्नाथ का पांडे विजय होगा तो मंदिर से बाहर आएंगे, आप टीवी में कहीं बैठ बैठ के देखना, जब रथ यात्रा शुरू होगा हम यहाँ सबके सब चलेंगे, आप टीवी में देखना जगन्नाथ जी कहीं जा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति शराब पीने पर यही चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता है ना शराब पीने वाले व्यक्ति, आप देखना जगन्नाथ जब आएंगे ठीक ऐसे, वो शराब तो पिए लेकिन किस चीज की, राधा रानी ब्रजवासी में प्रेम की उन्होंने मदिरा पान किए, भक्ति रस मदिरा को उन्होंने पान कर रखे, अब ढोलते ढोलते झूमते झूमते देख लेना आप लोग कितने कई जगन्नाथ जी आते हैं, गिरते गिरते जैसे बच जाते हैं, जैसे शराब भी होता है ना गिरते गिरते इधर उधर, एकदम ठीक वैसे ही जगन्नाथ जी ठीक वैसे आएंगे और आ करके उन्होंने रथ में बैठे और चल पड़े कहां वृंदावन के लिए। लेकिन उधर क्या हो रही है, उधर राधा रानी कह रही है ललिता विशाखा से, बोले हे ललित विशाखे और ये प्राण तो मैं और मैं नहीं रह सकती क्योंकि कृष्ण बोल कर गए थे परसों आने के लिए, लेकिन कितना बरसों बीत गया अभी तक श्याम सुंदर आए नहीं, मैंने बहुत धीरज मैंने धारण की, अभी मैं प्राण त्याग करने जा रही हूँ, इसलिए बोले मैं अभी मैं प्राण त्याग देने के लिए जा रही हूँ, बोले हे ललित हे विशा के काम करना, मेरे शरीर में पांच चीजें हैं, मिट्टी वायु जल आकाश और पानी है, यदि ये पांच चीजें हैं जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना ये पांच चीज को पांच जगह पर दे देना, बोले कहाँ पर, बोले जहाँ कृष्णा जल विहार करते हैं जिस पानी में मैं बैठने के बाद मेरे शरीर का जो पानी वहीं पर लेकर छोड़ देना, कम से कम कृष्ण जब जल क्रीड़ा करेंगे करते समय मेरा शरीर हाँ कम से पानी रूप में मैं कृष्ण शरीर को मैं स्पर्श कर सकता हूँ, पर इसमें जो हवा है कभी कृष्ण का जो पंखा झुलाते हैं उसमें जो हवा है कभी वो हवा को पंखे में लगाना कम से कम कृष्ण का शरीर को मैं हवा कर सकती हूँ, कभी उसमें जो मिट्टी है बोले कृष्ण जहाँ पर क्रीड़ा करते हैं खेलते हैं वो मिट्टी को लेकर वहीं पर छोड़ देना, वहीं पर कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे उनका चरण का स्पर्श हमें प्राप्त होगा, इसलिए जो अग्नि कृष्ण जी शीशा में अपना रूप को देखते हैं वो अग्नि में वहीं पर लगा दें, इसलिए फिर पांच तत्वों को पांच चीजों मिला देना, कम से कम मरने का बाद में भी मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊ है, इसलिए राधा रानी प्राण त्याग करने जा रही थी, तो प्राण त्याग दे रहे राधा रानी कृष्ण प्रेम में छटपट कर रही थी, इतने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ में बैठी करके बड़े तेजी से आए, जब कृष्ण वहां पर आ गए इतने में कृष्ण को देख करके ललिता विशाखा बोले हे राधे अभी तुमको शरीर छोड़ने का जरूरत नहीं, श्याम सुंदर आई गए जो बोले राधा रानी तो प्राण त्याग देने जा रही थी, इतने बोले श्याम सुंदर आ गए, बोले हाँ श्याम सुंदर आ गए, इतने में कृष्ण जब राधा जी की ये अवस्था महाभाव अवस्था को देखा हैं महाभाव अवस्था को देखा कृष्ण भी वो रूप देकर कृष्ण भी अपना को भूल गए, भूल करके कृष्ण राधा रानी के विरह में धीरे धीरे की जो जगन्नाथ जी है ना जगन्नाथ जी ऐसे क्यों बन गए, एक में तो कथा आती है ब्रज की राधा जी कथा, यहाँ पर डायरेक्ट राधा रानी को दर्शन करते हुए उनके महाभाव को देखकर धीरे धीरे जगन्नाथ जी कृष्ण धीरे 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 पिघलने लग गए और पिघलते 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 हाथ कान नाक सबके सब अंदर में चला गया और जगन्नाथ जी ये स्वरूप धारण कर लिया, दाऊ भैया बलदेव प्रभु भी जाता है कृष्ण प्रेम को देख करके वो भी धीरे 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 वो भी पिघलने लग गए और पिघलते पिघलते इस साइड में जो रूप उन्होंने धारण कर लिया,
इतने में जो सुभद्रा देवी थी वो भी इनकी प्रेम को देख करके वो भी द्रवीभूत होकर के उन्होंने भी ये सुभद्रा बन गए। जो सुदर्शन जो चक्र है वो भी धीरे 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 कृष्ण प्रेम में वो भी धीरे धीरे द्रवीभूत होकर के सुदर्शन चक्र भी उनका सब कैसा बन गया। कैसे उस साइड में देखो खंभा जैसे जैसे खंभे जैसे ना साइड में रखा हुआ हाँ वो भी एकदम खंभे जैसे बन गए। जब कैसे हो गए इतने में श्री राधा रानी को ललिता विशाखा राधा रानी को समझा रहे थे तुम प्राण मत क्या करो। लेकिन राधा रानी जब से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थिति को देखा राधा रानी कह रही है ललिता विशाखा मेरे को बाद में बचाना मेरे को बाद में सांत्वना करना देखो कृष्ण का क्या अवस्था है पहले इनको सांत्वना दो पहले इनको सांत्वना दो। इतने में श्री नारद जी भी थे वहां पर और सबके साथ श्री धीरे धीरे मेरे नारद जी थे उन्होंने ब्रज का उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। बोले जय जसो माति नंदना ब्रज राधा रानी के जहाँ पर
महाप्रभु बोले महाप्रभु जिस चीज को आस्वादन करने के लिए आएगी जगन्नाथ वही चीज है। इसलिए हमारे श्री गौरव गोविंद महाराज जी अच्छी बात कहते हैं, बोले ये महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण विदुरा, ये कृष्ण को बोले। बोले जगन्नाथ जी कौन है, बोले राधा विदुरा, जगन्नाथ जी राधा, राधा जी की भाव से ही गुरु क्यों हुआ है, ये राधा जी की भाव से ही उन्होंने ये मूर्ति धारण किए है। इसलिए श्री गौर गोविंद महाराज जगन्नाथ जी को इतने महत्व देते थे, और महाप्रभु भी जब दर्शन करते थे किस रूप में, वो द्वारका मूर्ति से नहीं, कृष्ण जब जमुना किनारे में भ्रमण कर रहे हैं, गोपियों को मुखार में ये कमल है, उनको घोड़ा के केस नहीं जिसमें भंवर है, और कृष्ण मधुमा की बन करके गोपियों की राधा जी की मुखार बिंद की मकरंद का आस्वादन कर रहे हैं। बोले राधा बकुर आलिंगन सुख, तभी रूप कैसे है, जैसे श्री कृष्ण चंद्र राधा चिंता निवेशना चस्य कांति विलपिता, श्री कृष्ण चरण बंदे राधा आलिंगित विग्रह, ये जगन्नाथ जी जो विग्रह है ये राधा आलिंगित विग्रह है, क्योंकि आप जब जगन्नाथ जी अनंत बता दो क्या वो काले नहीं है, ये काले देखो आप बोलते जगन्नाथ जी काले दिख रहे, लेकिन केवल उनका मुंह का रंग देखो काले, उनका हाथ का रंग देखो गोरे ही, पूरा जो बड़ी का रंग काले नहीं वो गोरे रहेंगे, अब जब पूरा बड़ी देगा जगन्नाथ जी गोरे, उनका हाथ देखो काले, केवल उनका जो मुंह है ना जितने केवल उतना ही उनका काला है, लेकिन और पूरा शरीर क्या है गोरे, क्योंकि उन्होंने राधा जी कृष्ण जैसे राधा चिंता निवेश उन्होंने अपना कांति को भूल करके गौरव धारण किया, उसी तरह श्री जगन्नाथ जी राधा चिंता में बिरहने रूप धारण की, इसलिए ये तीनों का रंग है ना वही रहे, मतलब राधा जी की भाव में तीनों ही राधा रानी की भाव में डूबे हुए हैं। बोले श्रीमती राधा रानी इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस चीज को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु इसी जगत में आए, ये जगन्नाथ जी वही रूप है, इसलिए महाप्रभु इसलिए यहाँ पर आकर के पुरी में रहे, इसलिए स्थान का नाम क्या है श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र मतलब क्या, श्री मतलब श्री राधा रानी, क्षेत्र मतलब स्थान, जहाँ पर राधा रानी प्रेम के द्वारा संपूर्ण जो प्लावित भूमि है श्री जगन्नाथ क्षेत्र है। इसलिए हमारे श्री क्षेत्र ग्रंथ में इसकी इतनी महिमा बताए, बोले देखो जब किसी स्थान की महिमा देखते है ना, स्थान काल और पात्र, ये तीन चीज को द्वारा विचार की जाती है, स्थान का नाम क्या श्री क्षेत्र, और यहाँ पर महाप्रभु जब आए ये स्थान का महत्व था ही है, लेकिन महाप्रभु जब आए ये स्थान के और महिमा बन गया, बोले कैसे जब महाप्रभु कौन है, बोले ये राधा कांति है और भाव, बोले गए महाप्रभु आए और यहीं पर महाप्रभु ने किसको किसको साथ में परिकर वैशिष्ट कहा जाता है, किसको साथ में जहां पर श्री रूप गोस्वामी रूप मंजिल स्वर्ग दामोदर राय रामानंद कौन है ललिता विशाखाए सनातन गोस्वामी के लवन मंजरी है, कहते जहां पर इन परिकर, और श्री सबसे बड़ी चीज है गदाधर पंडित कहाँ पर रहे तथा गिरनाथ में, गदाधर पंडित कौन है श्री राधा रानी, वो तथा गोपीनाथ में रहे, तथा गोपीनाथ क्या है कभी बंसी भट्ट अभिन्न बंसी भट्ट है, इसलिए बंसी भट्ट को नीचे जैसे श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए कभी यही पर गोपीनाथ जी कहाँ से प्रकट हुए तथा गोपीनाथ से, तो अभिन्न बंसी भट्ट मानी जाती है वही से ही प्रकट हुए, इसलिए राधा रानी जहाँ पर स्वयं यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी को वहां सेवा करते हैं यहाँ पर, इसलिए स्थान काल पात्र हर तीर्थ से, और ये जो युग है क्या है कलयुग, ये कलयुग क्या है धन्य कलयुग है, जिस कलयुग में सारे देवता लोग भी
जन्म देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें इसी कलि युग में जन्म दो। बोले क्यों? बोले महाप्रभु इसी कलि युग में आकर के कहना ब्रह्मा वीर वांछित जे प्रेम जगते फेरी लानी काकाल पाइया खाई लगाइया बाजाइया पति का आसन भी प्राणी नारीला कार्य अंतर ध्यान मिला थी, इसलिए जगन्नाथ जी की कथा अनंत जगन्नाथ जी कथा।